नमस्ते भारत। टुल्डा वैरायटी बांस के अंदर में फिर एक नया खेत देखने के लिए चलते हैं। आज भी उपलेटा गांव के पास में ही एक छोटे से गांव में लगा हुआ है सीड बेस टुल्डा। बराबर बराबर बगैर पानी के तो कैसे होगा। यस, फार्मर को वो ध्यान रखना चाहिए कि अगर प्लांट लेने से और टाइम जो है, अभी बारिश का सीजन है तो अपन फटाफट काम कर ले, उस हिसाब से रोपा लेकर रख देने से कुछ नहीं होता है। जैसे अभी हम खड़े हैं उपलेटा के पास में, और जहाँ पर फार्मर ने लिया हुआ है वैसे फार्म हाउस बढ़िया सा बनाया हुआ है, लेकिन प्लांट लेने के बाद में आज अगर हम देखें तो हमें खुद को थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होता है कि प्लांट ले लिया है, पीछे से जो वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए उसमें कोई ख्याल नहीं है। प्लांट आने के बाद में उसको लगाने के लिए जो टाइम पे लगाना चाहिए वो भी बहुत लेट हो जाने के कारण काफ़ी प्लांट जो है वो ऐसे ही पड़े हुए फेल हुए पड़े हैं। ये चीज़ें उतनी बेहतर नहीं है। हम फार्मर से कहेंगे 10 एकड़ है तो सिर्फ 2 एकड़ लगाओ, लेकिन वो 2 एकड़ के अंदर में पूरी मशक्क़त करके प्लांट को लाइव रखो। जैसे हम अपने बच्चे को खड़ा करते हैं, बड़ा करते हैं, पालते पोसते हैं, उसी हिसाब से अगर हम नेचर के साथ जुड़ के नेचर से कुछ लेना चाहते हैं तो उसको जीवित रखना भी हमारा कर्तव्य है, और वो हमें ही करना पड़ेगा। प्लांट आए हुए थे, आप देख सकते हैं प्लांट भी ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं, अभी मुरझा गए हैं, जीरो हो गए हैं। तो ऐसा ना हो, रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर फार्मर का नाम नहीं दूंगा, ना तो दूसरी कोई चीज़ कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि कोई भी फार्मर हो, फार्मिंग करने के कुछ इथिक्स जो है उसको हमें साथ में रख के चलना पड़ेगा। ये लाइव प्लांट है, जैसे हम अपने बच्चे को बड़ा करते हैं उसी के हिसाब से हमें प्लांट को भी निश्चित तौर पर जो चीज़ चाहिए वो देनी ही रहेगी, और हम कम करें वो चलेगा, लेकिन लाइव प्लांट को मारे नहीं। उसको जो तकलीफ़ होती है वो तकलीफ़ हम ना दे, उससे हमारा ही नुकसान होता है जाने या अनजाने में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो सभी फार्मर से विनती है, थोड़ा सा इस पर गौर ज़रूर करिएगा। आपसे भी कहीं पे चुक अचुक हो रही हो तो उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।